कसरावत नगर में राष्ट्र वंदन फाउंडेशन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। एक दिवसीय दौरे पर निकले कृषि मंत्री कमल पटेल भी क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मुझे आज अपने बचपन और कॉलेज के दिन याद आ गए। खेल एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। अगर जीवन में कोई खेल नहीं है तो जीवन का कोई रस नहीं है। युवाओं को संदेश देते हुए बताया कि पढ़ाई के साथ साथ खेल प्रतियोगिता भी भाग लेना चाहिए और अपने जिला एवं शहर का नाम रोशन करना चाहिए। मां नर्मदा कप के आयोजनकर्ता बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जितेंद्र पाटीदार आर्य को भी बधाई दी, जो ऐसे खेलों में रुचि ले रहे हैं। कसरावत में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष स्वर्गीय सुरेंद्र गुरु की स्मृति में स्थानीय हायर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में मां नर्मदा कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी टूर्नामेंट में शामिल होकर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि कसरावत विधानसभा मुख्यालय में मां नर्मदा कप क्रिकेट टूर्नामेंट पहली बार किया जा रहा है। अतिथि गण के रूप में पूर्व विधायक गजानन पाटीदार, डॉक्टर प्रकाश चौधरी, राजेंद्र सिंह राठौर उपस्थित रहे। और 2000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और मुझे आके आज अपना बचपन, अपने कॉलेज स्कूल के समय की याद आ गई। और देखिए, खेल जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। अगर जीवन में खेल नहीं है तो जीवन में कोई रस नहीं है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, टीम भावना से काम करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, टीम वर्क करने के लिए खेल होते हैं। और खेल से कभी व्यक्ति निराश नहीं होता जो खिलाड़ी होता है। वो असंभव को भी संभव कर देता है, उसके जीवन में कोई नामुमकिन चीज नहीं होती। और हमेशा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, उसके खेल होने चाहिए। कोरोना के कारण 2 साल खेल के मैदान पर बच्चे हमारे नहीं आ पाए, लेकिन उसके बाद पूरे प्रदेश और देश में खेलो इंडिया का भी भारत सरकार, प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री का, प्रधान सांसद का, और मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ। इसलिए मैंने हरदा में 2 साल पहले 25 दिसंबर अटल जी की जयंती से विवेकानंद जयंती तक 29 प्रकार के खेल, जिसमें मलखम, खो खो, कबड्डी और स्कूल से लेकर 3-4 कैटेगरी से उसमें कराए, जिसमें 950 पुरस्कार दिए, 5,500 बच्चों ने भाग लिया। और एक बहुत आनंद आता है, उससे बच्चे हमारे इस खेल के माध्यम से कि हमारे यहाँ के खिलाड़ी गाँव से निकल कर जिले स्तर पर आए, जिले से प्रदेश में जाए, प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर वर्ल्ड कप, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खरगोन का नाम, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दें, ऐसे खेलों से ही निकलता है। इसलिए मैं टोटल बहुत बधाई देता हूँ, अच्छा कार्य किया, पुण्य का कार्य किया। और इससे खिलाड़ी निकलेंगे, उनकी प्रतिभा निकलेंगे, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को यही की देखिए, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी करें, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करें और स्वस्थ रहें और खूब खेलें, खूब आगे बढ़े और अपने अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र के लिए जीना सीखें। पहले राष्ट्र हम देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अपने अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु पशु पक्षी भी जीता है, लेकिन जो समाज और राष्ट्र के लिए जिए उसका जीवन सार्थक होता है, श्रेष्ठ होता है। तो सब समाज और देश के लिए जीकर दुनिया में भारत का नाम रोशन करें, 21वीं भारत की सदी बनाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने जीवन को सार्थक करें। सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कमल की तरह खेलते रहे, कमल खिलाते रहे। कसरावत से जाकिर खान की रिपोर्ट।